सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर भी जरूर दबा दो, दबा दिया, घंटी भी दबा दे। Once more. वीडियो को लाइक कर दो, खाना खाने नहीं भूलती ना, तो ये भी मत भूलना। ओ गाइस यार, अगर आपको भी इसी टाइप का स्टेटस वीडियो बनाना है और सिंपल तरीके से और इजी है काफ़ी, तो इसी वीडियो में बता देता हूँ कैसे बनाओगे। तो आपको क्या करना गाइस, सबसे पहले दो काम करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और हम वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वरना डिसलाइक करें तो लाइक और डिसलाइक का बटन गाइस आपके सामने, जो मर्जी करके दो, कोई इशू नहीं है, आप ज़रूर से करें। और आपको क्या करना गाइस, प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना, और कैसे करना, हाउ टू डाउनलोड वीडियो देख ले, इजीली डाउनलोड हो जाता है। और डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताएं, मैं आपके डाउनलोड प्रॉब्लम को ज़रूर से सॉल्व करूँगा। ठीक है गाइज, सो आपने अपने लाइट मोशन को प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना है, और प्रोजेक्ट इंपोर्ट करने के बाद गाइज आप सोचोगे फोटोज़ कहाँ से लेने, तो फोटोज़ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं सारे फोटोज़ को जो है एसडी क्वालिटी में आपको भेजता हूँ, ताकि आपको कोई इशू ना आए, मतलब कि कोई जो ब्लर टाइप आता है वो कोई इशू वगैरह ना आए। सो होप करता हूँ वो सारा कुछ आपने कर लिया होगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना गाइज, आपको लाइट मोशन को ओपन करना है, और देन आपको एन प्लस के में प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, सो प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे, पहला बीट मार्क प्रोजेक्ट कुछ हिसाब से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप्स देखने को मिलेगा। तो गाइज आपको क्या करना, यहाँ पे आपको इमेज को इंपोर्ट करना, तो यहाँ पे मीडिया में गए और जिस फोल्डर में आपने जो है इमेज सबको रखा हुआ उस वाले फोटो को सिलेक्ट करके इमेज को सिलेक्ट कर थिएटर पर टैप करके फील कंपोजिशन लिया, और अगले बीट मार्क पे जाए, और अगले बीट मार्क तक फोटो लाने के लिए इस वाले पॉइंट पे टैप करके इसको यहाँ तक ले जा सकते हो। देन गाइज फिर से प्लस पे टैप करें, मीडिया का ऑप्शन में अगले इमेज को सिलेक्ट करें, थिएटर पर टैप करके फील कंपोजिशन लिया, और देन गाइज यहाँ पे ये जो फुल सेकंड खुद हो जाएगा, देन मीडिया के ऑप्शन में जाना है, और देन टेलीग्राम के ऊपर ए वाला आइकन है, सो इस पर टैप करना, और देन गाइस इस स्टेप से आपको फोटो सबको चूज कर लेना। ठीक है, तो इसी स्टेप से आप इंपोर्ट कर सकते हो, और देन प्लस पे टैप करोगे तो ये जो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। देन अगले बिट मार्क पे जाओगे और उसका एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के लिए आपको इमेज पे टैप करना, इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट कर लेना। देन फिर से गाइस इस स्टेप से कट करें, और इसी स्टेप से सभी फोटोज़ को आपने इंपोर्ट कर लेना। सो होप ये सारे इंपोर्ट कर लेने के बाद गाइस आपको क्या करना वो मैं बता देता हूँ। सो उसके लिए आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आ जाना होगा, यहाँ पे इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में जाना, और देन कुछ स्टेप से इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये नीचे वाला लेयर है ना, ये डबल एक्स वाला, सो आपने इस पर टैप करना, डबल डबल पे टैप करके कॉपी लेयर का ऑप्शन पे टैप करना, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक करना, सॉन्ग बीट मार्क वाले को ओपन करना, और देन गाइस आपको इस पर टैप करना। ठीक है, इमेज पे टैप करना, एंड डबल डबल पे टैप करके पे स्टाइल का आगे एरो ना उस पर टैप करना, और यहाँ पे ये देख सकते हो गाइस ये वाला ऑप्शन, इसको अनचेक करना, देन आपको पेज पे टैप करना, और ये जो हो जाएगा तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या ना गाइस इसको पहले छोटा करना होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने छोटा कर लिया, तो इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद आपको क्या ना गाइस इस पे इमेज पे टैप करना, इफेक्ट का ऑप्शन में जाना, और इसका ब्लिंक करना, इसका आई के अनचेक करना। ठीक है, तो ये जो फाइनली आपका डन हो गया, देन आप जितना छोटा करना चाहते हो छोटा कर, साइड से आपका जो ये देखने को मिल जाएगा इमेज, तो इस टाइप से कर लें। देन गाइस ये सारे इमेज को मैं इंपोर्ट करके बताता हूँ आगे क्या करना है। गाइस यार मैंने फाइनली यहाँ पे देख सकते हो सभी बीट मार्क पे फोटो सबको इंपोर्ट कर लिए, सेट कर लिए। अब आपको गाइस क्या करना, उसके लिए आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना, और यहाँ पे गाइस इस स्टेप से इफेक्ट होगा, सो उसको इमेज के इफेक्ट को कॉपी कर इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, इफेक्ट वाले सॉरी बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना, और यहाँ पे सभी पे पेस्ट कर देना। एक ही इफेक्ट है गाइस सभी इमेजेस पे, आप इजीली से पेस्ट कर सकते हो। तो देख सकते हो कैसे पेस्ट करना, आपने सिंपल से इमेज पे टैप करना, इफेक्ट का ऑप्शन थिएटर पे जाके पेस्ट, इमेज पे टैप करना, इफेक्ट का ऑप्शन थिएटर पे जाके पेस्ट, तो इसी टाइप से आपको जितने सारे भी यहाँ पे इमेज है ना गाइस उन सब पे इजीली से पेस्ट करना, और आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेस्ट कर लिया, देन आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना, और यहाँ पे ये जो ऊपर वाले C1 C2 है ना गाइस, ये जो CC है जो कि HDR CC है,
तो इसको दोनों को सिलेक्ट करना, आपको इस टाइप टैप करके रखना, दोनों को सिलेक्ट करना, डबल डब्बे पे टैप करके कॉपी लेयर टैप करना, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, यहाँ पे सॉन्ग बीट मंक वाले में चले जाना, डबल डब्बे पे टैप करके पेस्ट लेयर पे टैप कर देना, सॉरी पेस्ट लेयर पे टैप कर देना, और इस टाइप से हो जाएगा। देन आपको एंडिंग में आ जाना, और इन दोनों एंडिंग में लाने के लिए आपको एन एस पे टैप करना, स्पीड वाले ऑप्शन में जाने, छोले ऑप्शन पे टैप करके इसको यहाँ तक ले आ सकते हो। सो वापस इधर के स्पीड वाले ऑप्शन में टैप करना, इस वाले ऑप्शन में टैप करके इसको यहाँ तक ले आ सकते हो। सो देख सकते एच डी आर सी सी हो गया। देन गाइस आपको सपोर्ट करना, सो उसके लिए सेटिंग पे टैप करें, यहाँ से फ्रेम रेट को आप 60 जरूर से करें, और सेटिंग के राइट साइड में आइकन में उस पर टैप कर, वीडियो पे टैप कर, एक्सपोर्ट पे टैप करोगे तो एक्सपोर्टिंग पर लग जाएगा। सो गाइस ये कुछ इस टाइप से वीडियो को बना ले, कैसे लगे आज के वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार आते हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। सो मैं मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।